जी इंस्ट्रक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ दिस सेशन और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर थ्री की दैट इज कोआर्डिनेशन ऑन कंट्रोल अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड प्रोसेस होते हैं वो पैरल हो रहे होते हैं उसकी एक एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं अगर आपसे इस टाइम बात कर रही हूँ तो मैं कोई भी चीज़ कोई भी बात सुन भी सकती हूँ मैं देख भी सकती हूँ एट द सेम टाइम मेरा जो ब्रेन है वो कॉन्शियस है और साथ साथ वो मेरे बाकी सारे बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है मेरा दिल धड़क रहा है मेरे जो लंग्स हैं वो मुझे सांस लेने में हेल्प आउट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ हो रही हैं और उसमें मेजर जो इस टाइम में प्रोसेस कर रही हूँ दैट इज स्पीकिंग आई एम टॉकिंग तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास तरीके से एक ख़ास मकैनिज्म के थ्रू हो रही हैं इकट्ठी एक ऑर्गेनाइज वे में उस ऑर्गेनाइज वे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन और क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड फैशन में हो रही है कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही और ये इसलिए ये एक कंट्रोल मैनर में हो रही हैं और क्योंकि मेरी सारी चीज़ें अब मेरे हाथ हिल रहे हैं तो ये मेरे ब्रेन के साथ अटैचड हैं और मैं जिस तरह से चाह रही हूँ उस तरह से इन्हें मूव कर रही हूँ तो मेरे ब्रेन और मेरे हाथों और मेरी जबान और मेरी आँखों के दरम्यान एक कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है तो इस पूरे मेकैनिज़म और जिन जिन तरीक़ों से सारे काम इकट्ठे हो रहे होते हैं उसको हम ओवरऑल कहते हैं कोऑर्डिनेशन आर कंट्रोल अब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है उसमें हमने पहले देख लिया कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं ये ऑर्गन्स हैं वो अकेले काम नहीं करते वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है डिफरेंट टास्क जो हैं साइमल्टेनियसली एक करेक्ट सीक्वेंस में हमारी बॉडी में हर टाइम हो रहे होते हैं और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं ये एक दूसरे के साथ चल रही होती हैं अब कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं वी हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड वी हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही होती है यानी हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और उसमें नर्व इम्पल्स रिसीव भी होती हैं और सेंड भी की जाती हैं ऑन द अदर हैंड वी हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कुछ हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करता है वो सिक्रीशनस हैं सो ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है ये केमिकल मैसेंजर्स यानी उन हार्मोन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र है रिसीविंग और सेंडिंग उसके थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब अगर हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात करें ओवरऑल तो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह के हमने पहले बात की कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही होती हैं तो एक ऐसा एक्शन दैट इज परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है स्टिमुलस स्टिमुलस जो है वहाँ से एक कॉर्डिनेटेड जो एक्शन है वो Uh, जो है इनिशिएट हो रहा होता है वहाँ से शुरू होता है वहाँ से फिर हमारे पास क्या आता है हमारे पास एक रिसेप्टर आ जाता है रिसेप्टर क्या है जिसने उस स्टिमुलस को रिसीव करना है देन वुट वी हैव इज अ कोऑर्डिनेटर जो कि एक ब्रिज होगा बिटवीन द रिसेप्टर एंड एन इफेक्टर इफेक्टर क्या है जिसने कोई ना कोई चेंज जो है वो प्रोड्यूस करनी है और इफेक्टर जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स अब हम इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगर हम स्टिमुलस को डिफाइन करें तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एनवायरमेंट दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके उसको हम कहते हैं स्टिमुलस वी माइट हैव सीन कि जो सन हैं उनका जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ होता है अब ये क्या है वो एक सन जो है वो एक स्टिमुलस बन जाते हैं। इसकी रीजन यही है कि जो लाइट है वो एक स्टिमुलस है जो उनको इस चीज़ पे मजबूर करता है कि वो उसकी तरफ देखते रहें उसके साथ टच जो है वो भी एक स्टिमुलस है इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं तो वो सारी की सारी हमारे पास स्टिमुलस के अंदर आ जाती हैं देन वी हैव रिसेप्टर्स अब रिसेप्टर्स क्या है जो स्टमुल हैं वो खास किस्म के ऑर्गन्स और टिश्यूज या सेल्स जो हैं उनके थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं वो जो चीजें हैं जिनको डिटेक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स अगर हम इसको प्रिसाइज़ली डिफाइन करें तो द ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाए और कॉल्ड रिसेप्टर्स अब अगर हम रिसेप्टर्स की एग्ज़ाम्पल की तरफ़ जाएं तो जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ईयर्स जो हैं वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो ईयर्स क्या हैं वो हैं रिसेप्टर्स अब लाइट को डिटेक्ट हमारी आइस कह रही होती हैं तो आइस भी हमारे रिसेप्टर्स हैं इसी तरह हमारा नोज़ जो है वो हवा में मौजूद जो केमिकल्स हैं डिफरेंट तरह के खुशबू और बदबू उन चीज़ों को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर सकता है तो हमारा नोज़ भी एक रिसेप्टर है इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं Uh, जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं हमारी स्किन जो है वो हीट को या कोल्ड को डिटेक्ट कर सकती है तो दैट इज ऑल्सो आ रिसेप्टर फिर इसमें नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कोऑर्डिनेटर्स की अब कोऑर्डिनेटर्स क्या है ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन अब वो ऑर्गन्स जो के रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट से और उसको आगे सेंड करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास किसी प्रॉपर एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो क्या बन जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स कि एक साइड से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो उसको एनालाइज करके प्रॉपर ऑर्गन के पास भेज रहे हैं उस ऑर्गन ने आगे जो भी काम करना है वो उसका मसला है लेकिन ये दरमियान में एक ब्रिज बन जाते हैं अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या होते हैं ये कोऑर्डिनेटर्स हैं देन जो अगली चीज हमारे पास इस बात में आती है वो आ जाती है इफेक्टर्स अब दीज आर द बॉडी पार्ट्स विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पांस यानी वो वाली बॉडी पार्ट्स या जो भी मसल्स हैं वो जो कॉर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं और कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस जो हैं वो कैरी करते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू मसल्स ग्लैंड्स और वो जो हैं मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो एज इफेक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर लें तो जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं वो मैसेजेस सेंड करते हैं कोऑर्डिनेटर्स को अब कोऑर्डिनेटर क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू अब वो आगे कहाँ लेके जाएंगे पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज़ के पास और टारगेट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या वो एज इफेक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं अब इस सारे प्रोसेस के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्राम कोऑर्डिनेटर्स द इफेक्टर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्शन दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स कि जो भी इफेक्टर ने फील किया है और उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि इस चीज़ के अगेंस्ट क्या करना है मुझे जो काम उसने करना है वो हमारा रिस्पॉन्स है इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी भी बहुत सख्त गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो आप एकदम से हाथ पीछे कर लेंगे तो वो क्या है वो एक रिस्पॉन्स है कि एक गर्म चीज़ है आपने टच किया आपको लगा कि यू कैन नॉट बेयर दैट टेम्परेचर आपने हाथ पीछे कर लिया इसी तरह सन जो हैं वो अगर लाइट की तरफ मूव करते हैं तो लाइट एक रिस्पॉन्स है और सन फ्लावर की जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो उसको ये एक्शन परफॉर्म करने पे मजबूर कर रहे होते हैं।